सामने आओ, आप सामने आओ ना, भेजवा दिया आप सामने आओ। हाँ ठीक है। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। AB न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पैदल मार्च निकाला गया है। ये लोग बुद्धा लैंड राज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं। आइए हम लोग इसके संरक्षक से बात करते हैं। सर, AB न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मुख्य मुद्दों की वजह से लेकर के आपको ये पैदल मार्च करना पड़ा? दरअसल जो पूर्वांचल के 27 ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन 27 ज़िलों को ले करके एक अलग राज्य बनाने की मांग है हमारी, बुद्धा लैंड के नाम से। क्योंकि ये धरती बुद्ध की धरती है, बुद्ध का प्रदेश है और बुद्ध का संस्मरण यहाँ के कण कण से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के जन्म से लेकर के और महापरिनिर्वाण तक का ये क्षेत्र है। और ये जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, उसी तरीके से ये बुद्धों का मक्का मदीना हो सकता है। बुद्ध प्रदेश अगर बनता है तो सिर्फ इतनी की वजह से पूरे देश, पूरे जो ये क्षेत्र है वहाँ के करोड़ों लोगों के रोजगार के साधन मिलेंगे पर्यटन की दृष्टि से। और छोटे राज्य इसलिए ज़रूरी हैं कि शासन प्रशासन और जो विकास के दृष्टिकोण से सोचे, छोटे राज्य हमेशा उपयोगी रहे हैं, इसलिए हम लोग बुद्धा लैंड प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो जो राज्य पहले से हैं, अगर उन्हीं को मजबूत किया जाए तो इसमें क्या दिक्कत? देखिए, मजबूत तो है ही ऑलरेडी, राज्य को मजबूत करना एक अलग विषय है, लेकिन बंटवारा आपके एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, आपके डेवलपमेंट की दृष्टि से बंटवारा और वो उसको व्यवस्थित करना, उसको संचालित करना बहुत आसान हो जाता है। ये कोई नई मांग नहीं है, ये गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के समय से मांग चलती आ रही है और उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से में बंटवारे की मांग तब से प्रस्तावित है। अगर ये बात नहीं सुनी जाए तो आप लोग क्या करेंगे? जन आंदोलन, जन आंदोलन ही एकमात्र हथियार है। जन आंदोलन से ही हम जिसको अभी हम मांग रहे हैं, आवश्यकता पड़ो कि आंदोलन करके सरकारों से छीनेंगे।